This video is sponsored by Amplify Music Player. Now use Amplify Music Player to enjoy music in high definition, along with online radio streaming, and also record your own videos while singing your favorite songs. So check link in the description to download the Amplify now and enjoy the best quality sound. Guys, अगर आपसे कोई पूछे that what is the most important part of any vehicle, तो शायद आपका जवाब होगा गाड़ी का heart, यानी कि गाड़ी की इंजन. जी हाँ, आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सही हैं, लेकिन आप इसको द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं कह सकते, क्योंकि गाड़ी एक कॉम्प्लेक्स मशीन है. ये काफ़ी सारे डिफरेंट पार्ट से बनी हुई है, तो अकेला इंजन खुद गाड़ी को नहीं चला सकता. तो मैं आज बात करने जा रहा हूँ गाड़ी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी व्हीकल, दैट इज़ द टायर ऑफ योर व्हीकल. तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ टायर की साइज़ क्या होनी चाहिए. आपका जो रिकमेंडेड साइज़ आपको पता होगा, यानी कि 14 इंच का आता है, 15 इंच का आता है, आपको ये तो पता होगा, लेकिन और भी इसकी क्या क्या प्रोफाइल्स होते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में आज बताने जा रहा हूँ. लो प्रोफाइल टायर्स क्या होते हैं, हाई प्रोफाइल टायर्स क्या होते हैं, और साथ ही साथ साइड वॉल्स क्या होते हैं, और भी काफ़ी सारी चीज़ें, आपको कौन सी टायर्स लेनी चाहिए, और मैन्युफैक्चरिंग डेट कैसे रीड करनी है अपने टायर की, कैसे पता करना है आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट कौन सा है अपने टायर का लेते समय, इन सभी चीज़ों के बारे में आज बात करने जा रहा हूँ. तो बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक. गाइज, आप टायर जब लेते होंगे तो अपने रिम के साइज़ के हिसाब से लेते होंगे. मान लीजिए आपका रिम 15 इंच का है, तो आप 15 इंच का टायर ही लोगे. 14 इंच का है तो 14 इंच, 16 या 17, उसके हिसाब से अपना टायर का साइज़ देते हो. उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होते हैं, तो इन सभी चीज़ों के बारे में मैं जल्दी से बता देता हूँ. एक टायर का एग्जाम्पल लेता हूँ. चलिए मैं अपने गैराज में आपको दिखाता हूँ कि टायर की साइज़ कैसे होने चाहिए. और मेरे साथ क्या हुआ, लो प्रोफाइल टायर था मेरा, मेरे साथ क्या हुआ, जो आपको पता ही है इंडियन रोड्स पे पॉट होल्स बहुत ज़्यादा हैं, और आपको गड्ढे इतने ज़्यादा हैं, अनइवन रोड्स हैं, तो उसके वजह से मेरा टायर जो है पिंच हो गया था, वो बिल्कुल ही यूज़लेस हो गया. ट्यूबलेस टायर ज़रूर है, लेकिन पिंच इतना ज़्यादा जोर का हुआ उसमें कि वो आर पार कट गया. जल्दी से आपको दिखाता हूँ कैसे हुआ वो. ऑल राइट गाइस, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे पास 15 इंच का ब्रिजस्टोन का रेडियल टायर है ये, और ये एक कॉम्पैक्ट सेडान का टायर है, जो कि टाटा टिगोर है उसका टायर है ये. और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ग्रिप जो है टायर का, अभी भी काफ़ी हद तक नया है, क्योंकि ये टायर सिर्फ एक महीना पुराना है. और ये टायर ख़राब इसलिए हुआ, आपको मैं दिखा देता हूँ. यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जब मैं हाईवे से आ रहा था तो क्या हुआ, जब हाईवे पे सिर्फ एक अकेला गड्ढा था, वो काफ़ी गहरा था. इसका साइड प्रोफाइल आप देख सकते हैं, काफ़ी कम है, काफ़ी पतला टायर है ये. साइड से देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं, लेकिन जब भी गड्ढे पे जाते हैं तो क्या होता है, और जो टायर है रिम और गड्ढे के साइड से टकरा जाता है, उसके बीच में आता है, तो काफ़ी ज़ोर से दबने के कारण यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पिंच हुआ है टायर. अनफॉर्चुनेटली ये वारंटी में भी क्लेम नहीं होता, क्योंकि ये डैमेज में आता है. इसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट नहीं था टायर का, ये एक डैमेज है, इसमें कट का मार्क आया है, तो इससे आप वारंटी क्लेम भी नहीं कर सकते. तो ये टोटली आपका एक लॉस हुआ. तो ये मुझे इसका नया टायर कॉस्ट पड़ा मुझे 4500 का, जो कि 15 इंच का रेडियल टायर, ट्यूबलेस टायर मुझे पड़ा इतने रेट का. तो ये चीज़ आपके साथ ना हो, और क्या किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, तो मैं जल्दी से बता देता हूँ आपको. तो ये टोटल 6 नंबर्स हैं, 6 कॉम्बिनेशन नंबर्स जो हैं, ये 6 इन्फॉर्मेशंस दिखा रहे हैं. तो सबसे पहला नंबर है, वो आपको दिखा रहा है टायर का विड्थ, जो कि इसका व्हील बेस है, जो कि इसका 175 ये mm में होते हैं. तो 175 ये टायर का थिकनेस है, टायर की विड्थ है. और स्लैश 60 मतलब जो ये इसका साइड प्रोफाइल है, इसका रेशियो होता है. 60 स्टैंड फॉर 175 का 60%, जो कि इसका साइड प्रोफाइल डिफाइन करता है. ये जब भी आप लेने जाते हो टायर, आप ये सोच के लीजिएगा कि इंडियन रोड्स के हिसाब से साइड प्रोफाइल चौड़ी होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए. तो आप कोशिश करिएगा जो साइड प्रोफाइल है 60 से ऊपर हो, वो आपको कुशनिंग भी देगा साइड प्रोफाइल ज़्यादा होने के कारण, और आपको गड्ढे पे जाने के बाद भी आपको ऐसे इंपैक्ट टायर का नुकसान नहीं होगा उसमें. आर स्टैंड फॉर रेडियल, दैट इज ये रेडियल टायर है, तो आर स्टैंड फॉर रेडियल टायर. एंड 15 इज़ द साइज ऑफ द टायर, ये रिम का साइज़ होगा. 15 इंच के रिम पे ये टायर आराम से काम करेगा, तो ये 15 इंच के लिए है ये टायर. और साथ ही साथ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 81H जो है ये इसका स्पीड रेशियो है. और तो यहाँ पर आपको 475 किलोग्राम के साथ ये 210 तक की स्पीड लिमिट मेंटेन कर सकता है, ये अचीव कर सकता है ये टायर. तो चलिए फटाफट आपको मैं बता देता हूँ टायर का मैन्युफैक्चरिंग डेट आपने कैसे देखना है. वो किसी एक साइड पर प्रिंट होता है टायर के, तो आप दोनों साइड चेक करिएगा जहाँ पर आपको नज़र आए, कुछ इस तरीके से दिखेगा ये आपको. ये टायर पे ही एम्बॉस्ड होता है. तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, CJB इज़ द लॉट नंबर और प्लांट नंबर. उसके बाद जो 17th है वो है 17th वीक ऑफ दैट ईयर. ईयर आपको मैं बता दूँ, उसके बाद जो लास्ट का 17 है वो है ईयर, जो कि 2017 का मॉडल है. तो यहाँ पर आपको
टायर जो है ये 17वें वीक पे बना है 2017 पे। तो आपको होप ये समझ में आ गया होगा, CJB इज़ द प्लांट नंबर, उसके बाद जो पहला नंबर आएगा वो है वीक नंबर उस साल का, 17वां हफ्ता और 2017। तो आप कोशिश करिएगा कि नया से नया टायर ले, क्योंकि टायर में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो टाइम के साथ डिग्रेड होते हैं। तो आप कोशिश करिएगा कि नया से नया टायर लें। अगर आपको पुराना टायर मिल रहा है इग्नोर करें उसे, क्योंकि आप पैसा नए टायर का ही दे रहे हो, एक साल से पुराना ना हो वो टायर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब भी आप टायर लेने जाएँ तो साइड प्रोफाइल ज़्यादा से ज़्यादा रखें और जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो नया से नया हो। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय एम्पलीफाई म्यूजिक प्लेयर। नाउ यूज एम्पलीफाई म्यूजिक प्लेयर टू एंजॉय म्यूजिक इन हाई डेफिनेशन अलॉन्ग विद ऑनलाइन रेडियो स्ट्रीमिंग एंड ऑल्सो रिकॉर्ड योर ओन वीडियोज वाइल सिंगिंग योर फेवरेट सॉन्ग्स। सो चेक लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू डाउनलोड द एम्पलीफाई नाउ एंड एंजॉय द बेस्ट क्वालिटी साउंड। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन से साइज का टायर आपको लेना चाहिए, कौन से प्रोफाइल का टायर आपको लेना चाहिए, और अगली बार जब भी आप टायर लेने जाएंगे तो इन सभी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। Thanks for watching. Hit the like button if you like this video and also subscribe to my channel if you haven't subscribed yet and also hit the bell icon to get notified each time I upload my next video. Agla video aate hi aapko notification mil jaye to aap bell icon dabana mat bhuliyega and consider subscribing if you are new here and till then bye bye take care.